राधे राधे सबको, वेलकम बैक टू व्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? तो ये दिवाली का जस्ट नेक्स्ट डे है, यानी कि 13 नवंबर, और यहाँ पर सुबह उठती मैंने देखी घर की हालत, और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ कि क्या घर की हालत हो रही है, कितना ज़्यादा सब कुछ बिखरा हुआ है। बट ये वाला जो बिखरा होता है, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कोई पूजा पाठ का या फिर बर्थडे पार्टी का, बिखरा, ये नेक्स्ट डे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे नहीं लगता है इसको। इस वाले बिखरे से उलझन नहीं होती है, बट जो भी हो गया थोड़ी देर इसको निहारते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं, और उसके बाद फिर से काम पर लग जाते हैं। काम तो बढ़ ही जाता है, चाहे अच्छा लगे या फिर ख़राब लगे, तो सारा सामान इस तरीके से। और ये होता कैसे हमें पता ही नहीं चलता है, इतने महीनों की सफाई के बाद और अचानक से ये ऐसे भूचाल सा आ जाता है और हमें पता ही नहीं चल पाता है। तो बस अभी काम पर ही लगना है, बिना रुके फटाफट से काम निपटाना है। सुबह सुबह डोरेमोन, मेरी चोट इतनी सही हो गई है, सही हो जाएगी। तब इतनी बड़ी अलमारी भी भर गई पूरी? ये कुछ नहीं है, बहुत छोटी पड़ रही है अलमीरा। समझ में आ रही? अच्छा वर्ड कोई काम। बैंड बजी है। इस घर को छोटा है ना, करते समेटते समेटते बटी घर समेट हाय। कितना बड़ा घर ये कमरा, ये कमरा खत्म। बात वो नहीं, बात ये है कि मैं तुम्हें पता है मैं कितना कर रही हूँ? नहीं वो तो है, मैं कितना लगी रहती हूँ 24 घंटे, और ये घर समेटा नहीं रहता है। और छोटा है ना, इस चक्कर में भी है दिक्कत। ये तीनों की निकली है कल पहने हुए। नन्नू ने तो पहने नहीं पाया, उसने थोड़ी देर पहने, बुखार आ गया उसे। क्या था? अरे पहले बर्थडे की, वो उसकी है पहले तो नहीं, मतलब गोविंदपुरी की, दूसरा बर्थडे है, दूसरा बर्थडे है। ए दीदी ये मैं रखी हूँ नानी के लिए, याद के लिए उसकी रखे रहूँगी हमेशा। अच्छी लग रही है। इसका ब्लॉग बनाया था, पहला ब्लॉग शायद यही तो था, बर्थडे वाला ही था। इसका फ्लावर छूट के कहीं पूजा चाची ये जो लोग आ जाते थे लोग शायद वहाँ। हाँ। रखते करिए मामी का कॉल आ गया, मम्मी करी मामी से बात। और यहाँ पर ये वाला जो कुर्ता पजामा आप देख रहे हैं, ये जाना है ड्राई क्लीनिंग पे, अदरवाइज़ मैं इसको कब का धुल देती। तो जब ये लेकर के जाएंगे तब जाएंगे, तो इसी वजह से इधर डाला है। और अभी मैंने बेडशीट नहीं बिछाई है, मैंने कहा नहा वहा के मैं बिछाऊँगी तसल्ली से। अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, देखती हूँ थोड़ा बहुत कुछ कर लूँगी, अदरवाइज़ कल का ही जो रखा होगा वही खा लूँगी, क्योंकि त्योहारों पर ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। त्यौहार हो गया या बर्थडे पार्टी हो गई घर में, कि जो रखा होता है वही नेक्स्ट डे चल जाता है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी मज़ा आता है। और दिवाली के जो भी सामान थे एक्स्ट्रा, वो इस तरीके से रखे हैं। ये देखिए ये हल्के से डाउन पड़ गए, देखिए कितने चमक रहे थे ना, तो अब इनको मैं फिर से पैक करके रख दूँगी। जो एक्स्ट्रा कैंडल्स बची हैं और भी सारी चीज़ें, उनको सबको पैक करके रख दूँगी। बस अभी से मुझे बेडशीट बिछाना रह गया और कुछ नहीं रह गया। और ये वाला जो पिलो, मैं इतना इनसे बोलती हूँ रिजेक्ट कर दो रिजेक्ट कर दो, बट इनको इनके बिना नींद नहीं आती। और ये तो कहते हैं मैं तुम रिजेक्ट करने का बोल रही हो, मैं कहीं जाऊँगा तो भी इसको ले जाऊँगा। मैंने कहा ये भगवान, मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा कह रहे मैं कहीं अगर होटल वोटल भी रुका मैं इसको लेकर के जाया करूँगा, मुझे इस तक ये के बिना नींद ही नहीं आती है। अरे मैं सोच रही हूँ हटा दूँ, अच्छा नहीं लगता है मुझे अब। फिर मैं मम्मी से कहूँगी इस पर न्यू कवर कोई सिल दो, ऐसा कर लूँगी मैं, ये हटाने ही नहीं दे रहे मुझे तकिया। खाना खाने के बाद आ जाता है थोड़ा सा आलस, और अलमीरा की हालत फिर ख़राब हो गई। अभी मुझे इसको फिर से सही करना है, क्योंकि विंटर्स के जो कपड़े वगैरह हैं वो निकल आए हैं। तो मैंने सोचा आपको शॉपिंग दिखाती हूँ। शॉपिंग बहुत ज़्यादा कुछ थी भी नहीं एक्चुअली, जो की नहीं थी मैंने छोटी दिवाली वाले दिन। जितनी भी है, पता नहीं कहाँ है, इधर है, जितनी भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। ये टी शर्ट मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आ गई, इनके लिए मैंने फिर ले ली। ये देखिए,
एक ये ली थी और एक ये जीन्स की स्टाइल में लोवर है, जैसे हम लोगों का होता है ना जैगिंग्स होती हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, जैगिंग ही बोलेंगे क्या, जीन्स लोअर है ये डेली यूज़ का, बट जीन्स की स्टाइल में है, कंफर्टेबल बहुत बहुत ज़्यादा लगा। इन्होंने ट्राई करके देखा एंड अच्छा बहुत लग रहा था देखने में, बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था देखने में। एक ये हो गया, पीछे भी इसमें पॉकेट बनी हुई प्रॉपर जैसे जीन्स होती है ना, सेम वैसी बना हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये देखिए ये लिया था मैंने अपने लिए, पसंद किया था। ये देखिए जो सेट होता है ना, एक विंटर्स आ रहे हैं, ये सॉफ्ट वाला काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था, तो इसको क्या बोलते हैं सेट को, यार मुझे पता था, मैं अभी माइंड में नाम नहीं आ रहा है, आप बताना अगर आप किसी को पता हो तो। जो सेम होता है लोअर इसका इस तरीके का होता है, कभी पहनूंगी तो अच्छे से लुक दूंगी, अभी फ़िलहाल आपको फटाफट दिखा दे रही हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा ही है शॉपिंग। तो एक ये और एक ये दोनों मैचिंग का है, हुडी टाइप की है। पहले मैं एक सिंगल ये इस तरीके की हुडी ले रही थी, फिर मुझे दोनों सेट दिख गए तो मैंने कहा दोनों सेट लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी मैं और लूँगी जा करके वहाँ से, पहले मैं इसको देखती हूँ, अभी मैंने एक बार भी इसको पहना ही नहीं है एक बार। तो ये देखिए नन्नू ने क्या किया, अपना एक नंबर बड़ा, सेम साइज सेम कलर डिज़ाइन, कुछ भी पैटर्न चेंज नहीं लिया है, और इसको मैडम पहन भी चुकी हैं। ये देखिए एक तो दिवाली वाले दिन ही पहन लिया था, ठंडक हो रही थी टी शर्ट के ऊपर से, फिर जब गर्मी लगी क्योंकि दवा मेडिसिन खाई इसने, फिर गर्मी लगी तो फिर इसने ये हुडी उतार दी थी, लोअर पहन के रखा हुआ था। तो सेम है, कोई भी अंतर नहीं है इन दोनों में। और मुझसे कह रही थी मम्मा आप भी पहनो आप भी पहनो, दिवाली वाले दिन इसने इतना ज़िद किया आप भी। मैंने कहा दिवाली वाले दिन ये कौन ट्रैक सूट पहन के घूमता है घर में। बाकी थोड़ी बहुत कुछ ज़रूरत के सामान लिए थे डेली यूज़ के घर के लिए वो हैं, और कपड़े मैंने इतने ही लिए थे, और अभी एक ब्लैंकेट परचेज़ करना है, एक ब्लैंकेट लेना है और कुछ कपड़े और लेने हैं। ब्लैंकेट एक्चुअली मम्मी का मेरा ख़राब हो गया है, तो इस वजह से मुझे मम्मी के लिए सुपर सॉफ्ट वाला एक ब्लैंकेट लेना है और कुछ कपड़े और लेने हैं, तो मैं कभी किसी दिन तसल्ली से जाऊंगी। और अभी तो मुझे और भी बहुत बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, क्योंकि हमारी चाची जी हैं, मतलब मेरी चाची सास हैं, इनकी जो मेरे हस्बैंड उनकी जो चाची जी हैं, जिनसे मैं आप लोगों को एक बार ब्लॉग में मिलवा भी चुकी हूँ, तो उनके बेटे की शादी यानी कि हमारे देवर जी की शादी है, तो उसकी भी बहुत बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है, तो वो धीरे धीरे करूँगी क्योंकि एकदम से कुछ नहीं होता है, सारा कुछ इकट्ठा कर लो माइंड में भी हौच पहुँच हो जाती है और फिर बहुत ज़्यादा बड़बड़ हो जाती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तसल्ली से धीरे धीरे एक एक चीज़ धीरे धीरे शॉपिंग करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, एंड ऐसे फैमिली में शादी हो तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ना फैमिली की ही शादी में जाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरी पर्सनल शुरुआत की आदत है, मुझे ऐसे हर किसी शादी में ऐसे जाना बहुत बोरियत सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत सारी तैयारी करनी है अपने लिए, नन्नू के लिए, इनके लिए, बहुत बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है मुझे, तो धीरे धीरे वो भी करूँगी, अभी तो टाइम है, काफ़ी टाइम है। पर नन्नू मेरी बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है ना, जब कुछ होता है घर में फंक्शन वगैरह तो बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो नन्नू मेरी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है। और चाची जी ने बहुत बहुत प्यार से हमें बुलाया है, स्पेशल कार्ड भेजा है हमारे लिए और बहुत बार बोला है, इंगेजमेंट में भी बहुत प्यार से बुलाया था, हमने बहुत ट्राई किया बट कुछ ऐसी कंडीशन बोली सिचुएशंस बन गई इनके साथ कि ये जा नहीं पाए, काम में फंस गए, अदरवाइज़ हम लोग जाते ज़रूर, थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, वो इंदौर में रहती हैं तो यहाँ से इंदौर जाना पॉसिबल नहीं, अब ऐसा तो है नहीं आस पास है बस एक ट्रेन पकड़ो पहुँच जाओ कुछ घंटों में, ऐसा तो है नहीं, वहाँ जाने के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन लगती है, सोचना पड़ता है, इंदौर दूर पड़ जाता है, तो इस वजह से हम लोग इंगेजमेंट में नहीं जा पाए, बट शादी है वो दिल्ली में ही हो रही है, और शादी अगर इंदौर में भी होती तो इंदौर में भी जाते, बट शादी दिल्ली में से ही हो रही है तो फिर दिल्ली तो जाएंगे ही जाएंगे हम लोग। और हमें लखनऊ भी जाना था अभी थोड़े दिन पहले, चाची जी ने इनवाइट किया था, उनका गृह प्रवेश था लखनऊ में, उन्होंने मकान लिया तो गृह प्रवेश की पूजा के लिए हमें जाना था, बट अगले ही दिन धनतेरस पड़ गई, इस वजह से हम जा नहीं पाए फिलहाल, अब देखते हैं कभी और जाएंगे तो देखते हैं, बोल रहे थे कि अगर दो तीन दिन का भी गैप होता तो हम ज़रूर चलते इस वजह से। तो मुझे थोड़ा सा वो लगता है, कोई अगर हमें प्यार से बुलाता है बहुत, हमें इनवाइट करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम उसके यहाँ कोशिश करते हैं कि हम जैसे ना तैसे
पहुँचे। ये लगता है कि ऐसे नहीं है कि हाँ हमें बुलाया गया है तो हम नहीं जाएं, तो फिर हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती अपने अंदर से, है ना। क्योंकि हम देखिए सब हमसे बड़े हैं, चाची जी हो गई, चाचा जी हो गए, सारे लोग हमसे बड़े, हम घर के बच्चे हैं, तो ऐसे हमें लगता है कि नहीं हम जाएंगे। और चाची जी क्या लखनऊ तो मुझे कब से बुला रही, जब मैं 13th फ्लोर पर रहती थी ना उधर नोएडा में, तब से चाची जी मुझे बुला रही थी, बट कभी मौका ही नहीं लग पाया जो मैं उनके यहाँ जाती कि दिव्या घूम जाओ आके बच्चों से भी मिलो, सबसे मिलो, बस फिर कभी मौका नहीं लग पाया। होता ना, हर काम के लिए सही वक्त निर्धारित होता है, तो जब वो सही वक्त आता है सारी चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अभी तक तो मैंने डिसाइड भी नहीं किया मैं क्या लुक लूँगी, क्या पहनूंगी, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ, कभी सोचती हूँ रखा हुआ पहन लूँगी, फिर सोचती हूँ नहीं रखा हुआ नहीं पहनूंगी, कुछ लूँगी, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं, डिसाइड नहीं, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। एंड टाइम तक देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं, क्या डिसाइड करेंगे। फ़िलहाल तो कल इनका बर्थडे है मेरे पति देव का, 14 नवंबर, एक बार इनका बर्थडे दिवाली के ही दिन पड़ा था, 14 नवंबर को दिवाली थी। आज एक बात शेयर करना चाहती हूँ, दिल में आ गई तो कर दूँ। ये जो है ना मेरे हस्बैंड, इनसे ना सारी जो चाची जी होंगी इनको एक, इनसे एक अलग सा लगाव है, मतलब पूरे फैमिली में प्रांजल की बात ही अलग है, चाहे इनकी वो मौसी जी हो गई, चाहे वो ब्रदर्स हो गए सारे लोग, चाहे वो चाची जी हो गई, एक अलग सा लगाव है कि प्रांजल, मतलब उनकी बातों में ही, जब वो प्रांजल के बारे में बात करती तो उनकी बातों से ही झलकता है, चाहे वो मधु चाची जी हो गई, चाहे वो पूजा चाची जी हो गई, चाचा जी भी हो, मेरे चाचा जी से भी बात हुई थी जब मैं आम्रपाली में रहती थी, तब उनसे भी मेरी एक बार बात हुई, तो उनकी बातों में इनके लिए देखिए एक होती है मजबूरी की, रिस्पेक्ट देना किसी को, यू ना मजबूरी है, कुछ रिश्ता ऐसा है कि देनी ही देनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं। एक होता है कि आप अपने, जब किसी छोटे की, अपने बच्चे की एक यू नो बातों में रिस्पेक्ट झलकती इनके लिए सबकी, कि बहुत मेहनती है कह लो या जो भी कह लो, इनके प्रति जो चाची जी हैं हमारी सारी, वो इतनी प्यारी हैं, इतना प्यार है उनके दिल में प्रांजल के प्रति, तो मुझे ये देख करके बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड मुझे प्राउड भी फील होता है कि उनकी बातों से इतना प्यार झलकता है। अभी मैं गई थी वृंदावन चाची जी के यहाँ, तो उनकी बातों से ही प्यार झलकता है, उनके साथ रहे भी हैं वो, कि जो इतना शरारती था, ये करता था, वो करता था, जो है नीलम चाची जी हो गई, कोई भी हो गया, जब भी बात करते हैं ना तो एकदम, और अगर कुछ माइनस पॉइंट है भी, है ना, हर में होता है, हर कोई इंसान है, तो उसमें कोई भी इनकी गलती फॉल्ट नहीं बताता है कि इनकी क्या गलती है, तो बच्चा थे, बच्चे हैं, जो भी है, मतलब ओवरऑल इतना ही बताऊंगी, तो मतलब मुझे इतनी खुशी होती है जानकर कि इतना। हाँ एक बात और, एक शादी थी हमारे, कहाँ पर थी वो, एक सेकेंड पूछ लेती हूँ, भूल गई, चलिए पूछना क्या छोड़िए, मैं आज से बता देती हूँ। इनकी एक बुआ जी थी, बहुत स्वीट, मतलब कहते हैं ना भगवान के यहाँ भी अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है, भगवान भी अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुलाता है, भगवान को भी पॉजिटिविटी पसंद है ना कि नेगेटिविटी, तो वो इतनी अच्छी मेरी एक, इनकी मतलब मेरी बुआ सास थी, इनकी बुआ जी वो नहीं है अब, मैंने आप उनके बारे में आपको शुरुआत में ही बताया था जब इंसिडेंट हुआ था, तो उनके बेटे की शादी थी तो हम लोग वहाँ पर नहीं जा पाए, क्यों नहीं जा पाए ये कभी ज़रूरत लगी तो शेयर करूँगी। तो वहाँ पर फिर उनके शादी वादी हुई, फिर कुछ दिनों के बाद उन भैया का भी इनके पास कॉल आया था, बहुत ज़्यादा सॉरी बोल रहे थे इनसे, एंड एक अलग सा ही बॉन्ड है इनका सबके साथ, क्योंकि इन्होंने पूरे ख़ानदान में कभी किसी के साथ कुछ गलत किया ही नहीं है, हमेशा सबकी हेल्प करने की ही कोशिश की है अपनी हैसियत में रह करके जितना हो सका है, कभी किसी को ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी, सबके काम आए हैं, गाड़ी ले लेकर दौड़े हैं पागलों की तरह, इन्होंने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं, तो पूरे ख़ानदान में एक जो इनकी रिस्पेक्ट है ना उसको देखकर कि मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ मेरे हस्बैंड की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बातों से ही पता चल जाता है। और मम्मी आ गई हैं, चलिए